वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सोलर कुकर में ट्रेडिशनल गुजराती लापसी। बनाने का सबसे आसान तरीका और स्वाद में बेहतरीन खुशबूदार। इसका कलर भी बढ़िया ब्राउन आता है। तो इसके लिए हम गेहूं का फाड़ा मीन्स पीसीज, जो बहुत ही बड़ा नहीं है, वो हम लेंगे और इसको गैस की धीमी आंच पे लाइट ब्राउन हो जाए तब तक उसको शेक लेंगे। अगर आप नए हैं और मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम 4-5 इलायची के दाने लेंगे और 1 चम्मच सौंफ लेंगे और उसे ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहो तो हाथ से भी उसको थोड़ा पीस सकते हो। लापसी बनाने में नाप बहुत ज़रूरी होता है और उसमें पानी और गेहूं के पीसेस का नाप फिक्स रहता है। तो मैंने 1 बाउल ये गेहूं के पीसेस लिए हैं और मेरे ये पीसेस मीडियम साइज़ के हैं, तो मैं 1.25 बाउल पानी उसमें डालूंगी। अगर आपके पीसेस थोड़े बहुत बड़े या छोटे हैं तो पानी ये हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा लगेगा। पानी मैंने गरम करने रख दिया है, उसमें मैंने नाप के अनुसार टेस्ट के मुताबिक गुड़ और 2 चम्मच घी और इलायची और सौंफ का जो मिक्स है वो मैंने उबालने रख दिया है। जब पानी उबालने लगे तो हम गेहूं के पीसीस थोड़े थोड़े उसमें मिला के मिक्स करते रहेंगे। नीचे जल न जाए इसके लिए उसको चलाना ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरीके से धीरे धीरे थोड़े थोड़े पीसेस करके सभी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अगर गेहूं के पीसेस ज़्यादा बड़े हैं तो थोड़ा पानी आपको उसमें डालना पड़ेगा। देख लेना है कि बहुत ज़्यादा ड्राई है तो हम जब कुक करेंगे तो और ड्राई हो सकता है, इसीलिए पानी सब ये एब्सॉर्ब कर लेगा और थोड़ा ऊपर से पानी 1-2 चम्मच आप डाल दीजिएगा। देखो हमारा ये लापसी का आटा तैयार है। अब हम सोलर कुकर में रख रहे हैं तो उसका कंटेनर लेके उसमें ग्रीस करके मैं ये हमारा लापसी का जो बनाया है गैस पे ये मिक्स इसमें डाल रही हूँ। सोलर कुकर में 3-4 घंटा हम रखेंगे तो धीमी आंच पे ये थोड़ा ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। तो मैं 4-5 चम्मच जितना पानी इसमें डाल रही हूँ जो कुक करने के लिए काफ़ी है। अभी ये कंटेनर हम बंद करके सोलर कुकर में सुबह 9 से 9:30 तक रख देंगे। हमारा जो सन है उसके सामने ये रखना है क्योंकि उसका मिरर उसके सामने रहेगा और ये कुक जल्दी हो जाएगा। देखो मैंने ये सोलर कुकर में हमारा जो कंटेनर है वो रख दिया है। मैंने 9:30 को ये लगाया है और 1 बजे मैं इसको निकाल रही हूँ। ये बहुत ही गर्म रहता है तो हाथ से हम इसको नहीं खोल सकते, इसका स्पेशल हैंड ग्लोव्स आता है या आप कपड़े से ये कंटेनर बाहर निकाल सकते हो। देखो ये चिपक भी नहीं रही और इसका दाना अलग अलग हुआ है। सोलर कुकर में लापसी धीमी आंच पे ज़्यादा देर कुक और रोस्ट होती है, इसीलिए इसका कलर चॉकलेट से थोड़ा लाइट ब्राउन आ जाता है और खुशबू बहुत ही बढ़िया आ जाती है। गेहूं की ओरिजिनल खुशबू इसमें आती है। इसमें ऊपर से थोड़ा या ज़्यादा टेस्ट के मुताबिक घी डाल दो और अगर चाहो तो शक्कर का पाउडर डाल के आप इसे एंजॉय कर सकते हो। आप ये लापसी इसी तरीके से बना सकते हो गैस के कुकर में भी। थैंक यू फॉर विजिटिंग।